हेलो एवरीवन, तो आज हम बनाएंगे सिंपल वेज मैकरोनी। तो मैंने सबसे पहले ले लिया है एक बाउल मैकरोनी, जो कि इनफ है तीन जनों के लिए, काफ़ी अच्छी है। तो उसमें मैं बहुत तेज़ पानी को उबालने के बाद मैंने अपना मैकरोनी डाल दिया और इसे ना थोड़ी देर तक ना बॉईल होने के लिए देंगे अच्छे से, बिल्कुल तेज़ आंच में, ताकि ना, और बीच में से चेक भी करते रहेंगे कहीं मैकरोनी ज़्यादा ना बॉयल हो जाए। तो मैंने फिर लिया है एक प्याज चॉप कर लिया है साइड बाय साइड, और फिर एक शिमला मिर्च और एक गाजर को ना अच्छे से चॉप कर लिया है। और मुझे ना अपने मैकरोनी या फिर अपने चाउमीन किसी भी चीज़ में ना ज़्यादा वेजीज़ पसंद है, मतलब वेजीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरे को ना, तो मैंने बंद गोभी को ऐसी स्लाइस कर लिया है, नॉर्मल ऐसी लंबे लंबे काट लिए। तो उसके बाद अब सब सब्जियां कटने के बाद, तो साइड में मैं क्या करूँगी, कढ़ाई, जो मेरी फेवरेट कढ़ाई है फास्ट फूड की, मैं उसे गर्म करने के लिए रखूँगी और उसमें डाल दूँगी तेल। तो तेल को ना थोड़ी देर गर्म होने देंगे और फिर जो सबसे पहला चीज़ हम डालेंगे वो है प्याज। प्याज को डाल के थोड़ी देर हम कर लेंगे फ्राई, थोड़ा देर, ऐसा नहीं मतलब ज़्यादा देर तक नहीं, थोड़ा सा, जब तब तक ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाता, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम डाल लेंगे अपना गाजर और कैप्सिकम डाल के थोड़ी देर चला लेंगे। अब गाजर और कैप्सिकम में ना थोड़ा सा नमक डालना है हमको, ताकि ना ये लोग ना उस चीज़ को ना अंदर एब्जॉर्ब कर ले, मतलब उस नमक को जो उन लोग के लिए डाला है वो इन लोग ही एब्जॉर्ब करें, ठीक है। ताकि बाद में फिर ना जब मैं मैकरोनी के लास्ट में जब मैं डालूँ तो इन लोग को तो नमक मिलेगा ही नहीं, इसलिए पहले ही डाल देना है। तो थोड़ी देर तक मैं अच्छे से स्टर फ्राई करके इनको ना थोड़ी देर फ्राई कर लूँगी, ताकि इनका जो कच्चापन है ना उसे उसी को करना है ख़त्म। फिर इतने में मैं जो मेरा बॉयल मैकरोनी था उसे मैं एक साथ डाल लूँगी। अब मेरे पास ट्राईपॉड ना होने की वजह से मुझे बड़ा मुश्किल हो रहा है, एक हाथ से डालना पड़ रहा है। उसके बाद मैं डालूँगी विनेगर। विनेगर मैं यूज़ कर रही हूँ उसी बॉटल के दो ढक्कन डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालना। और मैं सोया सॉस डालते समय वीडियो ऑन करना भूल गई, और फिर मैंने थोड़ा सा और नमक डाला। नमक आपके स्वाद के हिसाब से, मेरा क्या ट्रिक है नमक डालने का कि मैं बीच बीच में ना नमक डालती हूँ, थोड़ी देर चलाती हूँ, उसके बाद फिर चेक कर लेती हूँ, टेस्ट कर लेती हूँ एक पीस निकाल के ना, कि अगर ठीक है तो ठीक है, नहीं मतलब तो कम है तो डाल लो, और कुछ कमी और है। मुझे कुछ कमी से याद आया कि मैं बंद गोभी डालना भूल गई हूँ, वाह बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ। अब बंद गोभी का ना एक एडवांटेज है कि ना बंद गोभी को कभी भी डालोगे ना, तो मैं भूल गई हूँ, तो मैं क्या करूँगी, बंद गोभी डाल के ना उसको ना सिम कम कर दूँगी बिल्कुल आँच, और उसे आराम से धीरे, मतलब कम गैस में उसको पकने दूँगी, तो पक जाएगा, ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है, अच्छा बनेगा ठीक है। तो ऐसा, तो मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और मेरी और वीडियोस के लिए स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। बाय बाय, टेक केयर।